भारतीय किसान यूनियन भानू के कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के साथ ली मीटिंग। 5 तारीख के धरने का किया आगाज। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के भारतीय किसान यूनियन भानू के जिला अध्यक्ष सलीम पाशा के उम्र कॉलोनी पहाड़ी गेट पर सभी किसान कार्यकर्ताओं को कार्यालय पर बुलाकर एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने कहा, देश के अंदर जो यह सरकार ने कृषि बिल पास किए हैं, सरकार इन कृषि बिल को वापस ले। यदि सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती है तो भारतीय किसान यूनियन भानू के संगठन के कार्यकर्ता देश के अंदर भारी तादाद में एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय महासचिव ने यह भी कहा कि मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मुंडा पांडे में कुछ राशन डीलरों की कालाबाजारी सामने आई है। सरकार द्वारा डीलरों को जो चना वितरित करने के लिए गरीब परिवारों को दिया गया है, वह कुछ राशन डीलर महंगे रेटों में ब्लैक कर बेच रहे हैं। उसके विरुद्ध भी भारतीय किसान यूनियन एक ज्ञापन केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार और जिला अधिकारी के माध्यम से 5 तारीख को ज्ञापन सरकार द्वारा सौंपेगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम पाशा है, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानू रामपुर से हूँ। आज जो मीटिंग हुई है भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने, क्या मीटिंग है और कब क्या करने वाले हैं? ये मीटिंग पूरे लॉकडाउन में हम लोग शांत घर बैठे रहे और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी उठाई, लेकिन अब जब लॉकडाउन खुला तो आज हमने अपने निवास पर एक बैठक की है, जिसमें कुछ कार्यकर्ता आ पाए जो नहीं भी आ पाए हैं। और अगली 5 तारीख में जो मीटिंग होने जा रही है उसके लिए बात की गई है। 5 तारीख में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। क्या मीटिंग होगी? मीटिंग तो इस काले कानून को लेकर होगी, बाकी जो गरीबों की परेशानियां हैं, जो प्रशासन परेशान कर रहा है हमारे, जैसे कि हमारे रामपुर में है, जिसे चाहते हैं उठा लेते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, मस्जिद में इमामत कर रहा है या मस्जिद में मंदिर में पूजा कर रहा है, लेकिन उसको उठाया, कुछ भी अगर मुद्दा नहीं है तो उन्होंने लिख दिया कि तू NRC में है, NRC विरोध में रखा और जेल भेज दिया। कोई पूछने वाला ये नहीं कि इसको क्यों उठाया, क्यों जेल भेज दिया, क्या इसका कसूर है, निर्दोष है, चोर है, डकैत है, कोई मतलब नहीं, उसको जेल भेजना। अच्छा, जैसे कि सरकार ने कृषि बिल 3 पास कर दिए हैं, उसका किसान विरोध कर रहे हैं, आप भी 5 तारीख में करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? जनता को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जनता अगर इस तरह खामोश रही तो शायद जिस घर में जनता रह रही है इसका भी एक दिन गवर्नमेंट को किराया देना पड़ेगा। जनता को ज़रूरत है डंडा उठाने की और घर से बाहर निकलने की, और अगर बाहर नहीं निकली तो अब जनता का काम ख़राब है, क्योंकि जनता बुरी तरीके से जनता को लूटा जा रहा है, जनता को कोई सहयोग नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, जनता सिर्फ लूट रही है। बताया जा रहा है आपके संगठन ने एक चली की गाड़ी पकड़ी थी, अभी उसके प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, किस तरीके की मांग करने चाहेंगे? प्रशासन ने कार्रवाई अभी इसलिए नहीं की है कि वो प्रशासन को हमने रजिस्ट्री की थी, शायद आज पहुँची हो और आज संडे भी है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा, और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो इन कोठे वालों का हम वो हाल करेंगे शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। लगभग कितने कोठेदार हैं इसमें? कितने नहीं, 100% कोठेदार ऐसे हैं जो सब चोर और डकैत और भ्रष्ट हैं।